बात होगी कुल्लू की, जहां आनी में दो मंजिला मकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग के चलते मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। आग के कारण 8 लोगों का परिवार बेघर हो गया है। पंचायत प्रधान की ओर से कहा गया कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। स्थानीय लोगों से भी परिवार की मदद की अपील की गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, दो मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। 8 लोगों का परिवार रहता था। हालांकि इसमें गनीमत यह भी है कि जानी नुकसान कम से कम नहीं हुआ है, लेकिन मकान और मकान के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि पंचायत प्रधान की ओर से कहा गया कि पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। चले हमारे संवाददाता हरिकिशन शर्मा फोन लाइन पर है। हरिकिशन, आग लगी है मकान में, जिसकी तस्वीरें भी दर्शक देख पा रहे हैं, क्या आप तक ये जानकारी मिली कि क्या कुछ कारण रहे आग लगने के? जी ज्योति, कल शाम को करीब 7 बजे के बाद ही अचानक मकान में आग लगी। लकड़ी का ये 2 मंजिला मकान था। अब आग, हालांकि बाहर बर्फबारी भी हो रही थी आनी क्षेत्र में, तो ऐसे में स्वाभाविक है आग होता, तंदूर वगैरह भी जलाते हैं, पर यह है कि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कैसे लगी है। अभी आग के कारणों का तो पता लगाया जा रहा है, लेकिन आग से पूरा जो 2 मंजिला मकान था, 8 कमरों का, ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया जी। जी अच्छा, प्रशासन की ओर से भी कोई मदद की जाएगी हरिकिशन? जी, प्रशासन की तरफ से जो राजस्व विभाग की टीम है वो मौके पर चलेगी आज, और कितना नुकसान हुआ ये पूरा आकलन करके पूरी रिपोर्ट के बाद जो है नुकसान का जो मुआवजा दे दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी हरिकिशन शर्मा। तो हरिकिशन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, नुकसान का आकलन लगाया जाएगा, मदद भी की जाएगी। साथ ही पंचायत प्रधान की ओर से भी कहा गया है कि हर संभव मदद परिवार की करेंगे।